प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास सिक्स एंड सेवन्थ की हिंदी की बच्चों जो वर्कबुक आपको मिली हुई है उसका आकलन पत्रक तीन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम एक कहानी पढ़ेंगे, कहानी पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो बच्चों आपने शेर और चूहे की कहानी सुनी हुई है, वह वही कहानी है। एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था, तभी अचानक एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद खुल गई, शेर ने को चूहे पर बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। तो बच्चों पंजे से पकड़ लिया, चूहा बहुत डर गया और कांपने लगा। चूहा शेर से बोला, आप मुझे जाने देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। शेर को दया आई और उसने चूहे को छोड़ दिया। एक दिन अचानक शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। यह सुनकर वहां वह चूहा आ गया और उसने अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। शेर आजाद हो गया और चूहे को धन्यवाद दिया। तो बच्चों कहानी पढ़ ली गई है, अब प्रश्नों के उत्तर देंगे जो आप स्वयं ही दे सकते हैं, आपने कहानी पढ़ी हुई है। बच्चों पहला प्रश्न है, चूहे ने शेर से क्या कहा? चूहे ने शेर से कहा, आप मुझे जाने देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। दूसरा प्रश्न है, डर को हम और किस नाम से जानते हैं? बच्चों डर को भय भी कहा जाता है। उपकार का दूसरा अर्थ क्या होगा? बच्चों भला करना, दूसरे की मदद करना। बच्चों अगला है, शेर जंगल का राजा है, यहाँ राजा लिख रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, किन किन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं? बच्चों जो मांस खाते हैं उन सबके दांत बच्चों नुकीले होते हैं। कुत्ता, शेर, लोमड़ी, चीता, ये मांस खाते हैं तो इनके जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं। तीसरा प्रश्न है, शेर ने चूहे को धन्यवाद क्यों दिया? चूहे ने शेर को जाल से आजाद करवाया था, इसलिए शेर ने धन्यवाद किया। अगला चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से सरल वाक्य बनाइए। अचानक, मुझे कल अचानक बाजार जाना पड़ा। जो वाक्य आप बनाएंगे उसमें जो सामने वर्ड दे रखा है बच्चों वो वर्ड आना चाहिए। गुस्सा, राम को बहुत गुस्सा आता है। शिकारी ने शेर को जाल में फंसा दिया। जाल का बनेगा बच्चों, शेर जाल में फंस गया। बताइए कौन से पालतू और कौन से जंगली जानवर है? लंगूर बच्चों जंगल में रहता है तो जंगली है। और बच्चों बाघ, बाघ भी बच्चों जंगली जानवर है। गेंडा, गेंडा भी बच्चों जंगली आएगा। बकरी, बकरी पालतू है, लोग घरों में पालते हैं। और भैंस भी बच्चों पालतू जानवर है। इस तरह से आपका आकलन पत्रक बच्चों कंप्लीट होता है। फटाफट कीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। आपको सभी सब्जेक्ट हिंदी, मैथ, इंग्लिश के वर्कशीट के सॉल्यूशन इसी चैनल पर फटाफट मिलते रहेंगे। थैंक यू।